एवरीवन, आज की वीडियो है एक रेफ्रिजरेटर के डोर स्विच के बारे में। रेफ्रिजरेटर तो ठीक है, मगर इसका डोर स्विच ख़राब हो गया है, तो देखते हैं इसका क्या करना है। तो ये है एलजी का फ्रेश मास्टर नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर। इसका ये जो डोर स्विच है ये ख़राब है, आप यहाँ पे बर्न मार्क्स भी देख सकते हैं। और दूसरा, आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे स्मोक भी दिखाई देगा। तो यार, इस प्रॉब्लम के लिए मैंने एलजी से टेक्नीशियन को भी बुलवाया था, उसने आके मना कर दिया कि ये ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर आप चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूँगा, लेकिन उससे तो मैंने मना कर दिया है क्योंकि डायरेक्ट करवाना सही नहीं है, और इसको मैंने खुद ही रिपेयर करने की कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं। तो डोर स्विच को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले डोर स्विच को निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको आराम से निकाल लूँगा। यहाँ पे यह हमारा डोर स्विच बाहर आ गया है, इसका कनेक्टर हटा के ये देखिए डोर स्विच पूरी तरह से जल चुका है, ऊपर भी बर्न मार्क है इस पर। इस कनेक्टर को मैं वापस अंदर डाल दूँगा। और फ्रिज को बंद करके डोर स्विच को ले चलते हैं अपनी वर्क बेंच पर। अब मैं माइनस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके इसको ओपन करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे लॉक्स हैं, तो उन लॉक को खोलना होगा। इस पे मल्टीपल लॉक्स हैं, उन सबको खोल के इसका ये कवर इजीली हट जाएगा। तो यहाँ पे डोर स्विच तो मैंने ओपन कर लिया है, और अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा कोई डैमेज नहीं है। ये जो धुआं दे रहा था वो इसके अंदर पानी जाने की वजह से दे रहा था। हम इसको किसी सॉल्वेंट से जैसे कि पेट्रोल से साफ़ करेंगे तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने पेट्रोल ले लिया है थोड़ा सा, और एक ब्रश की मदद से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगा। जला हुआ जो प्लास्टिक है उसको एक शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से हटा देंगे। यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ, इसको अंदर बाहर से हर तरफ से अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि जो भी डस्ट या मॉइस्चर कंटेंट है वो सब निकल जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और आप टेबल पर देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी और कितना डस्ट था। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, और इस स्विच को वापस असेंबल करने से पहले मैं इसको ब्लोअर की मदद से सुखा दूँगा। यहाँ पे मैंने सभी पार्ट्स को अच्छे से ड्राई कर दिया है, और अब ये पार्ट्स असेंबली के लिए तैयार हैं।
तो ये जो इसका एक टर्मिनल मैंने निकाला था, इसको मैं अच्छे से असेंबल कर दूंगा। और अब इसका कवर भी लगा दूंगा। एक बार हम इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं ताकि हम गुड कनेक्शन इंश्योर कर सकें। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को इसके टर्मिनल्स पे लगाएंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किट क्लोज्ड है और बटन दबाते ही सर्किट ओपन है। अभी सर्किट क्लोज्ड है और बटन दबाते ही सर्किट फिर से ओपन हो गया है। इसका मतलब डोर स्विच अब परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन इसको रेफ्रिजरेटर में इंस्टॉल करने से पहले एक काम और बाकी है, इसकी वाटर प्रूफिंग मैं कर दूंगा क्योंकि ये पहले भी ख़राब हुआ था, तो अंदर पानी जाने की वजह से। वाटर प्रूफ बनाने के लिए मैं फेविबॉन्ड का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी रबर बेस्ड एडहेसिव का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से फेविबॉन्ड अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसको क्योर होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दूँगा। तो अब मैंने इसमें रिपेयर डोर स्विच इंस्टॉल कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई स्मोक नहीं आ रहा, ना कोई आवाज़ आ रही है। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये डोर स्विच भी बढ़िया से काम कर रहा है। इसको दबाते ही लाइट बंद हो रही है, छोड़ते ही लाइट ऑन हो रही है। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली डोर स्विच को रिपेयर कर दिया है। तो हमारा डोर स्विच परफेक्टली काम कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।